बनारस के सीरियल उड़ान में आज चकोर पहुंच गई है अपना चुनाव प्रचार करने के लिए इमली की हवेली, और इस चुनाव प्रचार में उसका साथ दे रहे हैं उसके परिवार वाले और साथ ही सभी घर वाले। चकोर को अपनी जीत का पूरा विश्वास है और इसीलिए वो पहुंच जाती है अपनी बहन इमली के पास देने उसे खुली चुनौती कि बहुत जल्द न सिर्फ वो चुनाव जीतेगी बल्कि उसका काला साम्राज्य खत्म भी करेगी। चकोर नेता बन रही है बिकॉज इमली मंत्री है और वो अपनी मंत्री की पावर बहुत बार बार कहती है कि मैं पावरफुल हूँ और ये सारी चीज़ें, तो बस्ती वालों को लगता है कि पावर को पावर से ही मारा जा सकता है, इसलिए चकोर नेता बन रही है। ये अब लोगों पर डिपेंड करता है, अगर लोग इमली की सत्ता से खुश हैं उसके साथ रहना चाहते तो वो उसका चुनाव करेंगे, और अगर लोग मेरी सत्ता में रहना चाहते हैं जो समझ गए कि इमली गलत है और वो आज़ाद होना चाहते तो वो मेरा चुनाव करेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा राइटर्स क्या लिखते हैं।